कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो हम जानते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज, कंडक्ट कॉलेज भी उनको कहा जाता है, उनका स्टेटस जो टीचर के रिगार्डिंग क्या है कि अगर आपको स्टेटस पता है, कंडीशन पता है, तो आप अट्रैक्ट हो सकते हैं कि इन जॉब्स के लिए हमने कितना अप्लाई करना है और कितनी ईगरनेस से इनकी वेट करनी है या मेहनत करनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो हैं उनमें स्टाफ टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ है। अब टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे। टीचिंग स्टाफ में दो तरह का स्टाफ जो एग्जिस्टिंग अब है, जब स्टार्ट हुए तब नहीं, उसकी बात आगे चल के करूंगा। एलिजिबल स्टाफ, नॉट एलिजिबल स्टाफ, इट मीन्स जब एलिजिबल कोई कैंडिडेट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में अगर चाहिए, मैथ्स में चाहिए, वो कैंडिडेट यूजीसी नेट नहीं मिलता, तो नॉट एलिजिबल जो मेरिट में डाउन वाले होते हैं उनको रखा जाता है, रखे हुए हैं, ये साथ में बताता हूँ। सबसे पहले जो रेगुलर स्टाफ है, जब ये कॉलेज शुरू हुए थे तो प्रिंसिपल्स, यहाँ प्रिंसिपल भी ऐड कर सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस रेगुलर स्टाफ मेंबर जो टीचिंग स्टाफ थे, यूजीसी नेट जो यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार जो इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके अनुसार रेगुलर स्टाफ रखा गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर और गेस्ट फैकल्टी भी अब है। तो ये तीन जो कैटेगरी हैं एलिजिबल कैंडिडेट, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है ये नेक्स्ट बात करते हैं। और इन कॉलेजेस में इनका स्टेटस क्या है, ये क्या एंजॉयमेंट करते हैं, मतलब इनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं, उनकी बात करते हैं साथ में। फॉर एग्जांपल जो सैलरी है, जो रेगुलर है, यहाँ पर प्रिंसिपल भी ऐड कर लेते हैं, उनको फुल स्केल मिलता है रेगुलर वालों को। ठीक, फुल स्केल जो भी एक मतलब आप हैरान हो जाओगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रिंसिपल की सैलरी 2.5 लाख से अब है, जो 2011 के लगे हुए हैं रेगुलर स्टाफ में, आप ये देख सकते हो, क्योंकि इसको सेंटर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है थ्रू वीसी एंड डायरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो अपॉइंट होते हैं। तो इनकी जो सैलरी भी है, वो जो फंड्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू में जो फंड दिए हैं उनमें फुल स्केल इनको मिला है, तो उसकी डीए की इनकी बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब इन कॉलेजेस की एक्सटेंशन हुई है, नेचुरली 240-250 सीट्स ये शुरू हुए थे और धीरे धीरे इनकी स्टूडेंट स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर रखने लगे उनको मिल रहा है अब एट प्रेजेंट 45 कंसोलिडेटेड, यहाँ एक जीरो और लगा लीजिए, 100 नहीं है, 1000 है। ठीक है, उसके बाद गेस्ट फैकल्टी जो लेक्चर बेस्ड भी, इनको लेक्चर बेस्ड जो टीचर वो भी कहा जाता है, इन्होंने मिनिमम लेक्चर पूरे करने होते हैं, अब इनकी 30,000 चल रही है। पर्टिकुलरली पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में इनकी जो है अभी इंक्रीज होके 30,000 हुई है। और जो नॉट एलिजिबल है, नेट वगैरह नहीं है, उनकी जो सैलरी है 13,000 के करीब है, जो पहले 18,000 हुआ करती थी, अभी ये चेंज आए हैं। ठीक है, दूसरी बात कि स्टाफ को जो रेगुलर है वो पेंशन है। ठीक है, बाकी नॉट। ठीक, सैलरी किसके द्वारा दी जाती है, मैंने ये जैसे कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जहां आप कह सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी के ये कॉलेजेस हैं, तो वो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कॉलेज को सैलरी स्टाफ को देता है। अच्छा, कब मिलती है, जो रेगुलर स्टाफ है उसको फर्स्ट डेट को, जो है मंथ की फर्स्ट डेट को सैलरी मिल जाती है। प्राइवेटाइजेशन से आप कंपेयर करोगे तो एक तरीक कौन से महीने की है ये नहीं आपको पता होगा, लेकिन शायद वहां भी एक को मिलती हो, तो टाइमली सैलरी मिल जाती है, टाइमली सैलरी इनको भी मिल जाती है बिल्कुल, और इनको भी टाइमली सैलरी मिल जाती है। इनको थोड़ी सी डिले होती है, लेकिन कभी भी सैलरी मांगनी नहीं पड़ती, उनके लिए नारे नहीं लगाने पड़ते, भीख की तरह नहीं मांगनी पड़ती, मिल जाती है, यहाँ सिक्योरिटी है। सिलेक्शन स्टाफ की कैसे होती है, सबसे पहले सिलेक्शन टाइम क्या, जो रेगुलर स्टाफ है, जब ये कॉलेज शुरू हुए थे 2011 में, 12 में, 13 में, जब जो जो कॉलेज शुरू हुआ, फर्स्ट रेगुलर स्टाफ थोड़ा सा रखा गया था, तो रेगुलर स्टाफ
उसके बाद ये स्टाफ रखा गया कॉन्ट्रेक्चुअल, उसके बाद गेस्ट, और अगर नहीं वो मिलते तो नॉट एलिजिबल स्टाफ। ये हाजिर चार कैटेगरीज अब कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में हैं, जो इनकी इंटरव्यू क्या बार बार होती है, इनकी जो रेगुलर वालों की कभी दोबारा इंटरव्यू नहीं होती, एक बार हो चुकी है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है 3 ईयर के बाद होती है जनरली, लेकिन यूनिवर्सिटी की सहमति के साथ, जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में जनरली अब 3 साल बाद वही फिर अपॉइंट कर लिए जाते हैं। और गेस्ट फैकल्टी को 9 मंथ के लिए रखा जाता है, 9 मंथ के बाद 3 महीनों के लिए रिलीव किया जाता है, तो 3 महीने इनका गैप पड़ जाता है। और ऐसे ही जो नॉट एलिजिबल है वो कैंडिडेट उनको भी रिलीव कर दिया जाता है। ठीक, अच्छा, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, अच्छा किसके द्वारा जो है सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन जो है रेगुलर की है, यूनिवर्सिटी नॉमिनी या वाइस चांसलर डायरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, ये सिलेक्शन कमेटी में जरूर हर हालत में बैठेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट या कोई और हो सकता है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल और गेस्ट फैकल्टी की जब पैनल जो है वो यूनिवर्सिटी का पैनल ही होता है। ठीक, नॉर्मली जो नॉट एलिजिबल है वो प्रिंसिपल अपने तौर पर भी इनको रख सकता है। अपॉइंटमेंट लेटर जब इनको दिया जाता है, रेगुलर वालों को तो मिल गया, जब इनको और इनको कॉन्ट्रेक्चुअल और गेस्ट फैकल्टी को दिया जाता है, तो वहां उनको ये लाइन लिखी होती है कि अगर कोई कैंडिडेट ट्रांसफर करता है किसी और कॉलेज से इस कॉलेज में जहां रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है, तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा गेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल जो है टीचर है। ठीक, तो नेचुरली ये तो रिमूव वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि ये एलिजिबल ही नहीं है, इनकी तो बात ही नहीं होती। अब अगर रिमूव किया जा सकता है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज किसी भी इंडिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में ये रहती है कि ये वैकेंसीज निकल सकती हैं। वो वैकेंसी कैसे बढ़ सकती हैं, या आस होप आपके लिए कैसे बन सकती है, नेक्स्ट में बताता हूँ। अच्छा, नंबर क्या है इन टीचर्स के, रेगुलर टीचर के 6, 7, 8 के करीब हैं, मैंने 6 से 10 तक लिखे हैं, और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर भी इतने ही 6, 7, 8 8 से 10 तक आप लगा सकते हो। ठीक है, जब ये स्ट्रेंथ बढ़ती है तो नॉर्मली जो 2,000-2,500 के करीब स्टूडेंट स्ट्रेंथ होती है, तो उसमें जो गेस्ट फैकल्टी 20 से 30 टीचर, और जो एक्स्ट्रा जो नहीं मिलते टीचर वो भी 20 से 30। अगर 2,500 की स्ट्रेंथ है किसी कॉलेज में, तो लगभग 70 से 80 जो टीचर हैं वहां हैं, लेकिन उनमें से रेगुलर कितने हैं, 6, 7, 8, 9, 10 है इनके करीब। ठीक, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लिया जाए कि ये जो नंबर है स्टूडेंट स्ट्रेंथ, अगर जहां से शुरू होते हैं, दो मैंने 3-4 कैटेगरी बना रखी है। एक तो ये है कि 250 यहां पर स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा कॉलेज जो 250 है, एक ऐसा कॉलेज जहां 500 के नजदीक है, 1000 के करीब स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, 2000 के करीब स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, जो 2500 के करीब स्टूडेंट स्ट्रेंथ है। तो टीचर जो रेगुलर हैं वो 8 हैं। ठीक है, वो नेचुरली कोई भी स्ट्रेंथ हो 8, 8, 8 होंगे, ये पक्के टीचर हैं। ठीक है, यहां तक सलाम है। प्रिंसिपल पहले रखे गए थे, उसके बाद कभी कई कॉलेजेस में इंचार्ज रखे गए हैं। नॉर्मली 30% कॉलेजेस में जो है प्रिंसिपल है, बाकी 70% कॉलेज में प्रिंसिपल्स नहीं है। ठीक, कॉन्ट्रेक्चुअल भी लगभग हमने ये ऐसे लिख लिया एवरेज निकाल के, कि अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है, जैसे 500 हो गई है, तो ये 8, 8 अगर तो इतनी है स्ट्रेंथ, तो वो उन्हीं से चल रहा है, एक प्रिंसिपल और रेगुलर और जो 8-10 का स्टाफ रेगुलर है। अगर 500 स्ट्रेंथ हो गई है या 500 से अधिक हो गई है, तो नेचुरली कॉन्ट्रेक्चुअल पर लगभग 8, 9, 10 के करीब वो रखे गए हैं। अगर स्ट्रेंथ 1000 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि लगभग 16 कैंडिडेट, वो हो सकता है कि 16 के 16 गेस्ट फैकल्टीज में हो, जहां 8 ये और 8 ये हो। ठीक,
तो ये बनती है जहां पर कॉलेज इतने हैं, इट मींस कि ये प्रोबेबिलिटी बन रही है कि जो नेक्स्ट जॉब निकलती हैं, जो डिमांड है हो सकती है। अगर 2000 हो जाते हैं तो यहाँ पर 32 टीचर्स और चाहिए लगभग की बात कर रहे हैं। ये भी हो सकता है 16 ये टीचर गेस्ट फैकल्टी के और 16 जो नेक्स्ट अगर नहीं मिलते वो कैटेगरी लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर ये 2500 के करीब हो जाती है तो आप ये देख लीजिए 45 से या 50 तक, चलो 50 तक ये लगा लेते हैं, 50 तक टीचर चाहिए, जिनमें से कुछ ये भी हो सकते हैं। मान लीजिए 25 ये हो गए, मान लीजिए 25 ये हो गए, ये अंदाजा लेके चलते हैं। अगर एलिजिबल कैंडिडेट मिल जाते हैं तो यही कैटेगरी चलती है। अब ये जो जॉब्स निकलने की संभावना है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में, तो अगर रेगुलर ये हैं, इनके अलावा अगर स्टूडेंट स्ट्रेंथ जहां जहां ज्यादा हो चुकी है इतने 10 सालों में, 2011 से 2021 ये 22 आ गया, तो इन इन कैटेगरी की ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल है और ये गेस्ट है और नॉट एलिजिबल है, अगर स्टूडेंट स्ट्रेंथ किसी कॉलेज में ज्यादा है तो लगभग 50-60 वैकेंसीज वहां खाली पड़ी हैं। अगर 2000 के करीब है तो वहां लगभग 40-45 के करीब वैकेंसीज खाली पड़ी है, खाली नहीं पड़ी, ये टीचर काम कर रहे हैं। ये डिफरेंट है कि जब रेगुलर पोस्ट निकलती है तो वो कौन सिलेक्ट होता है, वो डिफरेंट वीडियो में बताता हूँ कैसे कौन कैसे सिलेक्शन इनका प्रोसीजर क्या है नॉर्मली। तो अगर कोई कॉलेज जिसकी स्टूडेंट स्ट्रेंथ 1000 के करीब है तो वहां भी लगभग 16-17-18 के करीब टीचर और चाहिए। अगर इनको शामिल कर लिया जाए तो आप प्लस कर सकते हो, 25-24 के करीब, 26 के करीब ये बनते हैं। तो ये टीचर का स्टेटस है जो आप होप कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडिडेट इस इन कॉलेजेस में वैकेंसीज निकल सकती है, कैसे जाना चाहिए। अच्छा, रूल्स भी प्रभावित करते हैं कि रूल्स आप प्राइवेटाइजेशन से, प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर कर सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर सकते हो। तो रूल्स जो सारे के सारे रूल्स हैं वो यूनिवर्सिटी के होते हैं, ठीक, सभी टीचर्स के लिए, वो प्रिंसिपल हो, रेगुलर हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, गेस्ट हो, नॉट एलिजिबल कोई भी स्टाफ हो। और जो वर्कलोड है इनका पीरियड लगभग, फॉर एग्जांपल गेस्ट फैकल्टी को लेक्चर बेस्ड होता है, इनको मंथ में 60 जो लेक्चर मिलते हैं। नॉर्मली बाकियों का वर्कलोड भी इतना ही होता है, लगभग इतना ही होता है, ये मान के चला जा सकता है। तो क्योंकि इनको पर लेक्चर के हिसाब से मिलते हैं तो 60 लेक्चर इन्होंने लगाने होते हैं, 30,000 इनको दिया जाता है, ये चलता है। अच्छा, वो इसके अलावा और क्या काम इनको होता है, सेमिनार्स बच्चों को जो 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 एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी है, पेपर वर्क होता है जो, क्योंकि यूनिवर्सिटी को कम्युनिकेट साथ साथ में करना होता है, जो भी अटेंडेंस वगैरह या अच्छा क्लैरिकल वर्क नहीं, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में आपको क्लर्क और टीचर में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ डिफरेंस है। आप टीचर का मतलब आप टीचर हो, आपको क्लैरिकल काम नहीं करना, उसके लिए नॉन टीचिंग स्टाफ रखा हुआ है। लीव्स जो है, रूल्स वो यूनिवर्सिटी के ही चलेंगे सारे, ठीक, जैसे भी है कोई वोकेशन है, हॉलीडे है, वो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है कि इस दिन छुट्टी होगी, इस दिन छुट्टी नहीं होगी, वोकेशंस यहां से यहां तक होगी। जो सारे ये जो डिसीजंस है, रूल्स है, वो सारे यूनिवर्सिटी के ये चलते हैं, जिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज है जो डिसीजन है, वाइस चांसलर डिसीजन लेते हैं, उनके बाद डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, और उसके बाद हो जाता है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल से टीचर को, ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम है इनका। और कंट्रोल 100% जो वीसी का ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वीसी को इंचार्ज, यहाँ देखिए कि विजिट करते हैं वीसी भी और डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जो है वो किसी भी कॉलेज में कभी विजिट करते रहते हैं और करते हैं। तो ये स्टेटस है, तो कंपेयर किया जाए, अगर रेगुलर है आपकी जो सैलरी है, पेंशन है, रूल्स है, प्राइवेटाइजेशन से है, इवन गवर्नमेंट के स्टेट कॉलेज से भी कंपेयर करो, वो गेस्टेड ऑफिसर कहलाते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज के आप प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, ये मेरे ख्याल में गेस्टेड ऑफिसर नहीं कहलाएंगे। हाँ, इनको भी गवर्नमेंट के ही टीचर माना जाना है, ये गवर्नमेंट के टीचर हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर हैं।
इसके अलावा टीचर के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वारी हो आप पूछ सकते हैं इसके कॉन्स्टेंट कॉलेज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अपडेट जो भी मेरे पास आता है सिलेक्शन मोड या जो इनकी क्वालिटी की बात जरूर करूंगा कि इन की जो कॉन्स्टेंट कॉलेज की क्वालिटी कैसे प्राइवेट कॉलेजेस या दूसरे कॉलेजेस से अच्छी है या नहीं है वो फैक्टर लिस्ट करके नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। सिलेक्शन मोड का भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।